गारंटर भी जा रहे हैं साथ में। हाँ तो स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है। नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। बिहार में क्या फर्क पड़ता है, ममता दीदी क्या को वोट दिलवा देंगी। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ 70-30 का लड़ाई होगा। 30% वाला लड़ते रहे जितना दिन लड़ना है। सर पशुपति पारस को लेकर कह रहे, कोई संशय नहीं है, सारे लोगों से वार्ता चल रही है, सारी स्थिति स्पष्ट होगी। मुनाट जी, दो चीजें हैं, एक विपक्षी एकजुटता को लेकर के बैठक में नीतीश कुमार आज जा रहे हैं, उनके साथ तमाम लालू प्रसाद यादव हों, अन्य जो नेता हैं वो भी आज जा रहे हैं, गारंटर भी जा रहे हैं साथ में। हाँ तो स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है। नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। लगता है कि दावा किया जा रहा है कि कई दल और जुड़ेंगे यहाँ। अरे बिहार में क्या फर्क पड़ता है, ममता दीदी क्या को वोट दिलवा देंगी। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ 70-30 का लड़ाई होगा। 30% वाला लड़ते रहे जितना दिन लड़ना है। शरद पवार को लेकर के भी संशय बरकरार है। शरद जी तो महाराष्ट्र के नेता है ना, बिहार के नेता थोड़े हैं। कुछ नहीं होना है, देश में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए की भी बैठक है सम्राट जी, उसके लिए क्या सभी सहयोगी से बात चल रही है और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट भी हो रही है। कल अच्छे से बैठक होगी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े। चिराग और पशुपति पारस को लेकर कह रहे हैं भी कोई संशय नहीं है, सारे लोगों से वार्ता चल रही है, सारी स्थिति स्पष्ट होगी। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।